आप सभी लोगों को नमस्कार। तो ये है अपना एकदम नया चैप्टर जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग इसको एकदम नेट गेट के लेवल तक चीजों को टच करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है आप इसके बारे में जितना ज्यादा मैक्सिमम पढ़ोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इस टॉपिक में क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए आप जितने नए नए टर्म्स जानोगे, जितने नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, उतना ही चांसेस आपका बढ़िया होगा कि यदि कोई नया क्वेश्चन होगा तो आपसे वो बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी टॉपिक से। देखो सबसे पहले एक बात आती है कि ये एरोमेटिसिटी टर्म क्या है और आखिरकार ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये बहुत समय से आपने सुना भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा एक नए नजरिए से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। मैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी बताने से पहले कुछ एक सवाल है वो आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताइएगा कि यदि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या है CH2 प्लस, आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से एकदम ये वाला। और इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, कुछ ऐसा है यहां पर प्लस। अब अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड क्या है, आपको नजर आ रहा है एकदम अच्छे से, एसाइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, और ये वाला कंपाउंड क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप दोनों ही कंपाउंड्स में कार्बन देखोगे तो तीन कार्बन यहां पर हैं और तीन कार्बन वहां पर हैं। यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि इस एसाइक्लिक कंपाउंड और इस साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यहां से हम आप लोग अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं इन दोनों ही कंपाउंड में स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो आखिरकार इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यहां से हमारा सवाल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये पहला सवाल है। तो आप लोग दिमाग लगाओगे, रेजोनेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो। तो अगर मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड अपने एसाइक्लिक तरह के दिखने वाले कंपाउंड से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अब आपके यहाँ पर दो सवाल आएंगे कि सर आखिरकार ये आपने कैसे बताया, पहला तो, और दूसरा आखिरकार आपने बताया ही क्यों। देखो सबसे पहली बात, ये मैंने कैसे बताया, तो ये हम लोग पता करेंगे एमओटी अप्रोच जब हम लोग आगे सीखेंगे। मैं अभी एमओटी अप्रोच नहीं सिखा रहा कि आखिरकार एरोमेटिसिटी में किस तरीके से देखते हैं, बाद में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम इत्मीनान से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां कहां पर एमओटी यूज होती है उसको एक साथ इकट्ठा करके कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे। तो साइक्लिक वाला ज्यादा स्टेबल है एसाइक्लिक से, पहली बात। दूसरी बात, सर बताया ही क्यों, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड अपने ही एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल होता है तो उसी को नाम दिया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, और वह जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें जो फिनोमेना होता है वह एरोमेटिसिटी नाम का होता है। तो ये सबसे पहली बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़े साइंस वाले हैं, हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, हम रट चुके हैं कि साइक्लिक वाले हमेशा एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपके सामने अब अगला सवाल लेके आ जाऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या जाएगा CH2 माइनस, ये दिख रहा है आपको, और इसी की तरह दिखने वाला मैं इसका साइक्लिक कंपाउंड लेके आ जाऊं तो यहां पर कुछ डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव। अगर आप दोनों कंपाउंड को जरा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपके पास, एसाइक्लिक है, और यहां पर ये वाला क्या है आपके पास, साइक्लिक है। बात समझ मारी एकदम अच्छे से। मेरा फिर आप लोगों से वही सवाल कि इस एसाइक्लिक और साइक्लिक में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने छोटा सा रीजन दे दिया, एमओटी अप्रोच से है। बिल्कुल आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो बस आपको कुछ बैक में जाके टॉपिक के एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंस को समझाना चाहता हूँ। तो मैं यहां से फिर बोलूंगा कि यहां पर इस बार एसाइक्लिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लिक। तो यहां पर मैंने अपने इस सवाल को खत्म कर चुका है कि कभी भी साइक्लिक ज्यादा स्टेबल नहीं होते, कभी कभी एसाइक्लिक भी ज्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लिक से। और सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब सर कहानी भी बदल चुकी है, तो सर क्या मैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड कह सकता हूं इस साइक्लिक वाले को। तो सुनो, जब हमेशा साइक्लिक अपने एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल होता है तो उसी को हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और यदि वह अपने एसाइक्लिक वाले से ज्यादा स्टेबल ना हो, कम स्टेबल हो,
तो हम उसको नया नाम देते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ चुके हैं कि सर आखिरकार हमें तरीका बताओ कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किस तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे, कब पता चलेगा एरोमेटिक है, कब पता चलेगा एंटी एरोमेटिक है, क्या क्या क्राइटेरिया होगी जिस पर हमें वर्क करना है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन निकालता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड की, तो वो क्या रही है, यह वह साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो अपने ही एसाइक्लिक से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है और थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको कुछ ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। इसके पीछे एमओटी कॉन्सेप्ट वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पर फर्स्ट डायग्राम बना बना के हम समझते हैं बीएमओ एबीएमओ, जहां पर बीएमओ ज्यादा स्टेबलाइज करता है सिस्टम को और एबीएमओ सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। तो अब आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अब हम सीधे क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और एक और टर्म आ जाता है नॉन एरोमेटिसिटी, उनको देखने की कोशिश करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक टर्म को समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक बार जैसे ही हम एरोमेटिक कंपाउंड समझ लेंगे उसके बाद हम आगे समझने चलेंगे एंटी एरोमेटिक और लास्ट में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इन पॉइंट्स को आपको हमेशा क्वेश्चन करते समय लगाना ही लगाना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये प्लेनर होते हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए या फिर ऐसे लिख सकते हो कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड। और जो तीसरा पॉइंट होता है जो कि सबसे ज्यादा मेन होता है वो फोर्थ होता है, हकल्स रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हकल्स रूल फॉलो करते हैं। अब इसमें नया क्या है, सर ये तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, नया है इनमें एक एक पॉइंट को समझने का तरीका। देखो सबसे पहले मैंने बात की है साइक्लिक, आपको पता है जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक ही जगह आकर जुड़ जाए तो वो हुआ साइक्लिक, तो आप साइक्लिक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है सर प्लेनर कैसे पहचानेंगे, तो सुनो आपको प्लेनर पहचानने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि जितने भी नॉन प्लेनर सिस्टम होंगे वो मैं बता दूंगा। इस बात को आप समझ लो, जब मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जितने भी नॉन प्लेनर सिस्टम हैं मैं बता दूंगा, तो इसका मतलब दुनिया में अब जो भी बचेगा वो सब क्या बचेगा, प्लेनर सिस्टम बचेगा। तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले ही मैं आपको बता दूंगा ये नॉन प्लेनर है, तो आपकी प्लेनरिटी की दिक्कत खत्म हो चुकी है। फिर भी अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो तो जनरली बोला ये जाता है, जनरली वैसे बिल्कुल सही नहीं है, कि sp2 और जो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं उसकी वजह से प्लेनरिटी रहती है सिस्टम में। फिर अगला पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और ये टर्म तो मैंने आपको रेजोनेंस में सिखाया था, जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था जीओसी में तब मैंने आपको कॉन्जुगेशन सिखाया था, तो रेजोनेंस से आपको रिकॉल करना है। कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हो ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, इस तरीके से मतलब चलता जाता है, या फिर एक पर वैकेंट ऑर्बिटल है और एक पर क्या है लोन पेयर। अब जो लास्ट पॉइंट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही ज्यादा दिक्कत भी देता है। देखो हकल्स रूल का मतलब होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अब आखिरकार यहां पर n क्या स्टैंड करता है, यहां पर n स्टैंड कर सकता है 0, 1, 2, 3, 4 and so on, मतलब यह एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं यहां से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकालूं तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, फिर आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, ऐसे 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहे हैं, तो ये आपके पास सारे सारे डिफरेंट क्या आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
आ रहे हैं। अब आपके पास जब भी सवाल आएगा, या तो आप सबसे पहले क्या करो, वहां पर n की वैल्यू निकालो और चेक करो क्या वो इंटीग्रल है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पाई की वैल्यू, पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालो, और पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये आनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। अब यहां पर नोट में हकल रूल लगाने से पहले आपको हकल रूल की एक दो खास बातें पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम हकल रूल की थोड़ी सी खास बातें पता करते हैं तो वो खास बातें क्या है आखिरकार? हकल रूल की खास बात सबसे पहली तो ये है, ये प्लेनर सिस्टम पर ही अप्लाई होता है। सबसे पहली बात यही है, हकल रूल कभी भी नॉन प्लेनर सिस्टम में हम अप्लाई नहीं करते। दूसरी बात जो है यह है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम में अप्लाई करते हैं। देखो, अगर हम मोनोसाइक्लिक सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम में देखेंगे तो वहां पर क्या है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आते, लेकिन मोनोसाइक्लिक सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आते हैं। जैसे अगर आप नेफ्थलीन ले लोगे तो वहां पर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका मतलब क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पर n की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3 and so on इंटीग्रल वैल्यू होती है। मतलब हकल रूल को आपको पता तो चल चुका है, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होगा, कैसे होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब जितनी भी मैंने ये रहम कहानी सुनाई है, ये सारी की सारी रहम कहानी हम लोग सिर्फ एक कंपाउंड पर लगाते हैं जिसका नाम है बेंजीन। अगर आपने अपने टाइम पर पढ़ा हो, या मान लो नहीं भी पढ़ा, तो आपने ये जरूर सुना होगा बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आखिरकार हम पता लगाते हैं क्या हमारी ये सारी कंडीशंस, ये सारी बातें इस बेंजीन सिस्टम पर अप्लाई हैं या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे ये बेंजीन सिस्टम ये क्या है, हमारे पास साइक्लिक है। बिल्कुल सही बात है, यह एक साइक्लिक सिस्टम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्या ये प्लेनर है, तो मैंने आपको बोला था जितने भी नॉन प्लेनर सिस्टम होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर दुनिया में जो भी बचा है वो सब क्या है, प्लेनर है। तो मैं यहां पर यही बोलूंगा, ये प्लेनर सिस्टम है। और वैसे अगर आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए देखना चाहते हो, तो यहां पर जितने भी आपके पास कार्बन एटम्स हैं वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सिस्टम एक प्लेनर सिस्टम है, लेकिन सिर्फ एटम की हाइब्रिडाइजेशन या पूरे सिस्टम को देख लेने से आपको कभी भी प्लेनिटी पता नहीं चलेगी। जो है सो है, और जो नहीं है सो नहीं है। इस पॉइंट को आप लिख लो कहीं ना कहीं साइड में, जो प्लेनर है वो हमेशा प्लेनर ही रहेगा, और जो नॉन प्लेनर है वो हमेशा नॉन प्लेनर ही रहेगा। तो इससे अच्छा क्या हो कि सर नॉन प्लेनर बता दें अच्छे से, तो जितने भी दुनिया में हैं वो सब सारे के सारे क्या हैं, प्लेनर हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अपनी इस पूरे के पूरे चैप्टर में नॉन प्लेनर सिस्टम की तलाश में, आखिर कहां कहां पर नॉन प्लेनर होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है? देखो ध्यान से, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं आपके जो बेसिक्स होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ये सब बेसिक्स से रिलेट होता है। तो ये सिस्टम कैसा है, आपके पास कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। तो तीन पॉइंट्स आपके लागू हो गए। अब बात आती है हमारे पास हकल रूल लगाने की। तो देखो, हकल रूल को दो तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे पहले आप इस तरीके से लगाओ, 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जब आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यहां पर n की वैल्यू कैसे रखोगे, ये तो बात आ रही ना पूरी की पूरी। देखो, सबसे पहले ये दो पाई इलेक्ट्रॉन और यहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आपको एकदम अच्छे से पता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हो गया। तो इसको आप रख दो 6 के बराबर। तो अगर आप 4n+2 6 करते हो, यही आ रहा है तस्वीर, तो यहां पर 4n कितना हो जाएगा, 4, और यहां पर n किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो तो n की वैल्यू 1 आ रही है, वो भी इंटीग्रल आ रही है, फ्रैक्शन नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम हकल रूल को फॉलो कर रहा है। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप थोड़ा सा अपनी टेबल को याद करो, क्या उस टेबल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। देखो, ये टेबल है, आप अगर यही सिर्फ याद कर लोगे तो आपको आगे चल के कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2, 6, तो देखो इस 6 पॉइंट को ध्यान से समझो, सिस्टम में 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है, तो हम एक तरह से शॉर्टकट कह सकते हैं। और थोड़ा सा नंबर को अगर आप देखोगे तो 2, 6, 10, 14, 18, ये सभी वो हैं जहां पर 4 की टेबल में नहीं आ रहे हैं, 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन, एक तरीके से जुगाड़ या एक तरीके से तरीका कह लो आप, क्या देखना आ रहा है?
जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, वहां पर थोड़ा सा झोलझाल है, एमओटी अप्रोच आना चाहिए, लेकिन हमें तो क्या करना है, इस चैप्टर में सवाल करने हैं। तो सवाल करने के लिए एक कोई पतली सी गली पकड़ लेते हैं, और वो पतली सी गली हमारे पास ये है। अब बस इन सब चीजों को और अच्छा करने के लिए एकमात्र चीज होती है प्रैक्टिस और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको सिखा सकूं। तो हमने सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की बात की है, अब हम बात करते हैं पहले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। अगर अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो इसमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम पॉइंट्स होते हैं जो जो हमने कहां पर पढ़े हैं, अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, साइक्लिक होगा। सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट होता है यह कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो मैंने बोला था प्लेनर सिस्टम को तो आपको तकलीफ ही नहीं लेनी है, पूरी तकलीफ मैं ले लूंगा यहां पर, मैं देख लूंगा कि आखिरकार कौन कौन नॉन प्लेनर है और वो आपको समझा दूंगा। फिर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मतलब इतनी जो बातें हैं ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है जो कि केमिस्ट्री में किसी भी स्टूडेंट को आ जाएगी। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, यहां पर वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हकल्स रूल को अवे उस तरीके से नहीं करता है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं एक तरीके से, पॉइंट क्लियर है। आपके पास एरोमेटिक सिस्टम में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते थे उन्हीं को हकल्स रूल कहा जाता, तो हम कह सकते हैं ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। कहने का मतलब यही है कि आपके पास यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी। चलो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से करता हूं तो n की वैल्यू 4 है, फिर 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब मैं आपको सबसे पहले इस आखिरी पॉइंट को ही समझाता हूं कि सर आप आखिरकार बता क्या रहे हो। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, और वो प्यारा सा एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है। क्लियर एकदम अच्छे से। अब आप सबसे पहले देखो क्या ये कंपाउंड आपके पास साइक्लिक है, बिल्कुल सर साइक्लिक है। उसके बाद क्या ये प्लेनर है, मैंने अभी तक आपको नॉन प्लेनर नहीं बताया तो पक्का प्लेनर है। उसके बाद क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कैसे देखेंगे, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्लियर है पॉइंट इतना सा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है और यही सबसे ज्यादा डिसाइडिंग पॉइंट है कि आखिरकार ये हकल्स रूल फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखो ज्यादा ध्यान समझना, सबसे पहले हम हकल्स रूल लगाना चलते हैं। 4n plus 2 equal to कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 4n is equal to 2, और यहां पर n आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/2, और आपको पता है इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास हकल रूल नहीं लग रहा। मतलब पहले अपने दिल की पूरी की, अब हमें पता है कि हम अगर इसकी जगह 4n लिखें और यहां पर 4 करते हैं तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई है, इंटीग्रल आ गई है। और ऐसा कब होता है, ऐसा हमारे पास एंटी एरोमेटिक सिस्टम में होता है। या फिर एक और तरीका होता है सिंपल, आप क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन यहां है, दो इलेक्ट्रॉन यहां है, ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हमें पता है जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं यही हमारे पास एंटी एरोमेटिक होते हैं। मतलब आपकी जो अब कहानी है वो कहानी साइक्लिक, प्लेनर और कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड से थोड़ा सा ऊपर बढ़कर हकल्स रूल पर आ चुकी है। मतलब कोई भी सिस्टम हो, सबसे पहले आपको साइक्लिक, प्लेनर, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड तो दोनों ही के लिए देखना है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एंटी एरोमेटिक हो। लेकिन सवाल आता है कब वो हकल्स रूल फॉलो करेगा जिससे आप एरोमेटिक का थप्पा लगा दो, कब वो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा तो जिससे आप एंटी एरोमेटिक का थप्पा लगा दो। पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अब आप जितने भी डिफरेंट एग्जांपल्स लिखाओगे तो सब एग्जांपल्स में आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा, जहां से आप किसी को एरोमेटिक कह सकोगे और किसी को एंटी एरोमेटिक कह सकोगे। अब मैं यहीं पर छोटी सी बात और कर लेता हूं, क्यों अलग से हम लोग उसको लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर नॉन एरोमेटिक बोला है, नॉट एरोमेटिक नहीं बोला है। दोनों ही टर्म्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने साइड में अभी लिख दिया, एकदम स्टार्टिंग से ही बताते चल रहा हूं कहां पर गलतियां होती हैं। तो अगर नॉन एरोमेटिक सिस्टम है तो ध्यान से सुनना,
इन सभी पॉइंट में जितने भी आपने पॉइंट पढ़े हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड और हकल सुल वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स में मैं से लिख देता हूं, बस एक लाइन ही काफी होती है इसके लिए, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिरकार नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। सभी पॉइंट्स में जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, यदि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, यदि मतलब वह वैसा ना रहे जैसे हम बात कर रहे हैं, डिस्टरबेंस आ जाए तो हम बोलेंगे वह सिस्टम हमारे पास कैसा सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो मतलब हम बोलेंगे यदि वहां पर नॉन प्लेनर सिस्टम है तो अपने आप बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात ही चली गई, क्योंकि उनको होने के लिए तो प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद यदि सिस्टम में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक है। और लास्ट में ना ही सिस्टम में दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ना ही सिस्टम चार पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिस्टम तीन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ऑड आ रहा है। जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इस पॉइंट को भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब भी हो, आप समझ जाना सिस्टम आपके पास कैसा है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। तो ये मुझे आपको सबसे पहले बताना था क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड लास्ट में नॉन एरोमेटिसिटी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जहां पर मैं डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता हूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और आपको बताना है कौन सा सिस्टम क्या है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्राइटेरिया पढ़ चुकी है डिफरेंट सिस्टम को पहचानने की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब आपके लिए छोटा टॉपिक तो है लेकिन बहुत परेशान करता है, वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कि सर थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी होती है कि आखिरकार हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कैसे किया करें। तो देखो, आपको थोड़ा सा मैं यहां पर अगर जानकारी बताऊं, अगर थोड़ी सी मैं आपको अगर नॉलेज दे दूं इसके बारे में, तो आप ऐसे समझ लो यदि वहां पर कोई एक लोन पेयर है तो उस लोन पेयर से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाते हैं। वो एक्चुअली आपको लगता है कि पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यदि आपके पास यदि एक पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, दो इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यदि आपके पास अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कितना होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब फिर दो इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लो अगर आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में से आपको दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही काउंट करना है, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये छोटी सी बातें हैं जो कि अब आपके काम आने वाली हैं। जैसे मान लो अगर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल उठाता हूँ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में बताना है कौन सा सिस्टम है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या ये साइक्लिक है? अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं एक एक पॉइंट को फिर से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस में आ जाए आपको बहुत स्पीड में बढ़ना है, या यूं कह लो आपको सिर्फ लास्ट पॉइंट पे जाकर क्या करना है, ध्यान देना है। साइक्लिक के बाद क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल, ये आपका प्लेनर है। मैं जब तक नॉन प्लेनर सिस्टम ना बताऊं आपके लिए, दुनिया में हर कोई प्लेनर ही है। अच्छा, क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है? जरा ध्यान से देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड ही है, तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, एक तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, एक का टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, पॉजिटिव का मतलब कितना था, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो हम बोलेंगे ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और हमें पता है जो टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि वो हकल्स रूल को फॉलो या फिर ओबे करते हैं। ये बात हमने की थी। अगर मान लो आपको इसमें भी नहीं हो रही है, दिल में समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, देखो दो लिख दो यहां पर,
लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा 4n इक्वल टू 0। तो हमें पता है n की वैल्यू ओवरऑल 0 भी आ जाएगी यहां पे, तो हमें पता है इंटीग्रल वैल्यू 0 से ही यहां पर स्टार्ट होती थी, तो 0 1 2 3 4 इस टाइप का। तो ये आपके पास यहां पर पहला क्वेश्चन था। अब मान लो अगर मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और अब आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, बस तीन चार क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आप कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सीख जाओ। अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सर, ये साइक्लिक है। उसके बाद क्या ये प्लेनर है? देखो सर, अभी तक तो हमें नहीं पता ये नॉन प्लेनर है, तो हम प्लेनर ही बोलेंगे। क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है? जरा ध्यान से देखना, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी। देखो इस जगह देखो, यहां पर आपका क्या है? कॉन्जुगेशन ब्रेक है। तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जब भी आप लोग कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो, और उस समय यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ जाए, समझ जाना वहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है। अब जब कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, सभी पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो हम बोलेंगे सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। अब तो यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से एक एक पॉइंट को लगा कर कि ये है तो क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों है, जब आप ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से लेके आओगे तो अब आपको बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि ये भले ही पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं। मतलब इनको अगर आप छोड़ के आ रहे हो, तो इसका मतलब तो आपकी रैंक बहुत पीछे जा रही है। यहां से आपको रैंक बढ़ानी है, चाहे क्वेश्चन इजी से इजी आए, चाहे क्वेश्चन हार्ड से हार्ड आए, आपको ये क्वेश्चन तो हर हालत में करना ही है। आप यूं कह लो, ये टॉपिक अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया, तो आप ये मान लो आपकी ऑर्डिनरी केमिस्ट्री बहुत पीछे चली गई है पेपर के टाइम। इसलिए मैं इस टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं, और इवन हमारे जो पहले बेसिक ऑर्डिनरी केमिस्ट्री है वो पूरा कवर है, असाइनमेंट दिए हैं, आपको करना है अच्छे से एकदम। ऐसे ही जनरल ऑर्डिनरी केमिस्ट्री के बेहतरीन असाइनमेंट्स बना रखे हैं, उनको करना है। तो मतलब टॉपिक्स में आपको पकड़ सिर्फ असाइनमेंट्स आने वाली है। अगर आप सोचोगे कि सर करवा देंगे, सॉल्यूशन आएगा तब देखना स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो यार टाइम वेस्ट है आपका पूरा का पूरा। आप पहले एक बार आप खुद तो ट्राई करो कम से कम, तब जाके चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं क्लियर है आपको ये वाला। तो एक तीसरा एग्जांपल और उठा लेते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे तो देखो ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। तो फिर से क्या ये सिस्टम साइक्लिक है? हाँ जी सर, साइक्लिक है ये वाला सिस्टम। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल सर, अभी तक आपने नॉन प्लेनर नहीं बताया, तो क्या है ये? प्लेनर है। क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है? जरा ध्यान से देखो, ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पर सी पर लोन पेयर है, रेजोनेंस में है, बिल्कुल सही बात है। यदि आपके पास सिस्टम में दो लोन पेयर होते हैं, तो एक ही लोन पेयर जाता है रेजोनेंस में। ये बातें तो रेजोनेंस की हैं, ये बातें एरोमेटिसिटी की नहीं है, तो आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए। उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी, सी पर लोन पेयर, हम बोल सकते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है। अब यहाँ पर वो बारी आ चुकी है जहां पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। तो देखो, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ है, और एक लोन पेयर से दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने। तो इसका मतलब टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो, ऑड भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो यह एक एरोमेटिक सिस्टम है, यह एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो बस मैं आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू यही सिखाना चाहता था कि आखिरकार पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे कैलकुलेट करो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक सिस्टम उठाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, और उसको एकदम डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। देखो अगर हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यदि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, डीलोकलाइज्ड हो। डीलोकलाइज्ड बोले तो कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन होगा, तो जिसकी वजह से ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यदि डीलोकलाइज्ड है तो एरोमेटिक हो जाएगा, इसका मतलब पक्की बात है यहाँ पर एंटी एरोमेटिक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस पॉइंट को आपको समझना है, यदि कोई सिस्टम में डीलोकलाइज्ड होने के बाद वह सिस्टम एरोमेटिक बनता है, तो वहां पर एंटी एरोमेटिक की बात ही नहीं होने वाली,
पॉइंट समझ रहे हो एकदम अच्छे से, मतलब यहाँ पर ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड से ही पचलेगा कि डीलोकलाइज सिस्टम है, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक अपने आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर सिस्टम डीलोकलाइज नहीं है, आप यूं कह लो नॉट डीलोकलाइज सिस्टम है, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देखकर यही बातें आनी चाहिए कि 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम या तो एरोमेटिक हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं हो सकता है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत आसान बन जाते हैं, तो आपके दिमाग में वो एंटी एरोमेटिक का फंडा निकल जाएगा एकदम अच्छे से। अब आपके सामने कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स से आपको समझना है एक एक करके सारी बातें। देखो अगर आप सबसे पहले एग्जाम्पल को देखो, देखो जल्दबाजी में मैं तो बहुत स्पीड में कर दूंगा, लेकिन मैं अब आपको इस पहले लेक्चर से सिखाना चाहता हूं, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन थोड़ा स्पीड में भागेंगे, जहां पर आपको बहुत तक चीजें समझ में आएंगी। तो देखो इसमें अगर बात करना स्टार्ट करें तो इस वाले सिस्टम में क्या होगा अपने पास, सबसे पहले देखो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल। जब तक मैं नॉन प्लेनर ना बताऊं तो वो प्लेनर ही है। उसके बाद क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर कुछ नहीं है, तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैंने आपको बताया भी था यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हट जाता है, मतलब ये नॉट डीलोकलाइज्ड है, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इतना सरल है, इसी सरलता के साथ आपको सारे सवाल को प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो इस सवाल की बात करते हैं, फिर से शुरू हो जाओ, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल। क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, हाँ जी। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पहले बता रखा है। तो अब अगर ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, मतलब डीलोकलाइज्ड है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, अब तो आपको हकल सुल लगाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी सी नहीं आ रहा, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर सर एक नहीं दो दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, तो सर यहाँ तो कॉन्जुगेशन ब्रेक होना ही था। तो हम बोलेंगे अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक है तो मतलब नॉट डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही इस सवाल को देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी, देखो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, नॉट डीलोकलाइज्ड है, तो हम बोलेंगे नॉट एरोमेटिक सिस्टम। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखना ध्यान से, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। ऐसे तो देखने में लग रहा होगा ये लगातार कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन है ये कॉन्जुगेटेड, जिसकी वजह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस सवाल को देखो, बहुत ही प्यारा सवाल, ए डबल बॉन्ड बी सी, यहां पर कॉन्जुगेशन ऑफ ब्रेक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो इतने सवालों में अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सीधा फंडा एकदम क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर पहचानना है, मतलब यहाँ पर हकल सुल लगाने का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर यदि पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मतलब डीलोकलाइज्ड है, तो एरोमेटिक है, और नॉट डीलोकलाइज्ड है, तो नॉन एरोमेटिक है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसकी कि आखिरकार ये हमारे पास क्या है। देखो जरा ध्यान समझना, हमारे पास ये 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं आ रहा, मतलब कॉन्जुगेशन का फंडा समझ नहीं आ रहा। देखो साइक्लिक है, बिल्कुल, प्लेनर है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैं कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड बोलूंगा आप बोलोगे ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, लेकिन बाहर की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ी इसकी सही तस्वीर समझाऊं कि आखिरकार इसकी सही तस्वीर क्या होती है, तो इस कंपाउंड की जो आपके पास सही तस्वीर नजर आती है वो तस्वीर कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर प्लस, मतलब ये जो कंपाउंड होता है, फिर सुनो, ये जो कंपाउंड होता है ये हमेशा जब भी एग्जिस्ट करता है तो चार्ज्ड स्पीसीज की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और वह कंपाउंड जो हमेशा चार्ज स्पीसीज की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं उनको क्वासी कहते हैं। और जरा ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्जुगेशन पूरा सिस्टम हो चुका है, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये मतलब एरोमेटिक तो है। तो अगर मैं इस कंपाउंड का ज्यादा अच्छे से बोलूं, चार्ज स्पीसीज एरोमेटिक, तो यहां से नाम आ जाता है
क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है वह एरोमेटिक स्पीशीज जो कि चार्ज होती हैं उन्हीं को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ये बात तो पक्की है इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इनका डाइपोल मोमेंट हाई ही होता है। तो याद रखना क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज का डाइपोल मोमेंट जीरो कभी भी नहीं होता। ऐसे ही मैं इस सवाल की बात करता हूँ, जरा इस सवाल को अगर ध्यान देखोगे तो इसका नाम होता है स्क्वेरिक एसिड, याद आ गया हो। देखो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, 2H+ यहां से निकालते हैं, 1H यहां से निकालेंगे, 1H यहां से निकालेंगे। जैसे ही ये यहां से निकालेंगे आपके पास सिस्टम कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, यहां पर O-, यहां पर O-। जरा ध्यान से देखना, जब आपने H+ नहीं निकाला था तब आपको इस सिस्टम का कॉन्जुगेशन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने H+ निकाल दिया, क्योंकि ये एसिड है H+ निकालने की इसकी टेंडेंसी होती है, तो देखो ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगी और ये यहां जाएगा। जिस तरीके से आपके पास कॉन्जुगेशन इतने से पार्ट में हो रहा है वैसे ही आपके पास कॉन्जुगेशन इतने हिस्से पार्ट में होगा। अब सुनो, जिस समय ये कॉन्जुगेशन होगा उस समय ये नहीं होगा, जिस समय ये कॉन्जुगेशन होगा उस समय ये नहीं होगा, तो पूरे सिस्टम में आपके पास सिर्फ 2π इलेक्ट्रॉन ही घूमते हुए नजर आएंगे। ये 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, फिर समझो ये 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, ये 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दो ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बारी बारी घूम रहे हैं। नहीं तो आप में से आधे ज्यादा लोग, सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। अरे हद करते हो यार, एक समय पर एक ही जाता है दुनिया में। हर कोई अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना जाता है। यदि वो कहीं लग भी रहा होगा मेरे अंदर एंटी एरोमेटिक की बात हो रही है, तो वो दुनिया के सामने नजर ही नहीं आने देता है। मतलब आपके सामने अगर कोई आपके क्या है अच्छाइयां नहीं है, तो क्या उन अच्छाइयों, जो अच्छाइयां नहीं है, जो पाप है, उनको बाहर लाने दोगे? नहीं ना, छुपा के रखोगे ना अपने अंदर। वही ऐसे ही कॉन्सेप्ट दुनिया में हर मॉलिक्यूल रखता है। तो ये बातें थी तो मुझे आपको समझानी थी 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब ऐसे ही हम बात करते हैं 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो अब हम बात कर लेते हैं 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद 4π इलेक्ट्रॉन और 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो जिस तरीके से 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता था, वैसे ही अगर यहां पर डीलोकलाइज्ड है सिस्टम, तो पक्की बात है 4π इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर एरोमेटिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। और यदि सिस्टम नॉट डीलोकलाइज्ड है, तो नॉट डीलोकलाइज्ड के केस में आपके पास क्या चलने वाला है, नॉन एरोमेटिक। देखो कोई भी सिस्टम नॉन एरोमेटिक तो कभी भी हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक स्पेसिफिक जगह ही होगा। यदि कोई एरोमेटिक है तो वो कभी एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता, और यदि कोई एंटी एरोमेटिक है तो वो कभी एरोमेटिक नहीं पढ़ सकते एक साथ, ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ, देखो कितने पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 और 2 4, तो हम बोलेंगे ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। ए से मैं डिनोट करूंगा एंटी एरोमेटिक को। ऐसे ही अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, फिर से देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। इसको देखो 2 2 4, इस तरीके से 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम नजर आ रहा है, क्या ये कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है? तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कर दो। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो अब नजर आ रहा है एकदम कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, तो सुनो यहां पर ये ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि सिस्टम पहले क्या था, ये अभी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन नॉन एरोमेटिक को आप क्या करने जा रहे हो, एंटी एरोमेटिक बनाने जा रहे हो, और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इस बात को यहां पर नोट करना है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक, फिर होती है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में होती है एंटी एरोमेटिक। मतलब दुनिया का हर सिस्टम एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ जाना जाता है, और नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिसिटी की तरफ जाना जाता है। मतलब इनकी दुनिया में जो लास्ट अंतिम स्टेबिलिटी है वो एरोमेटिसिटी ही है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, इस सिस्टम को क्वासी में जैसे आपने जस्ट पिछला वाला सिस्टम बदला है उसमें बदलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। पिछले वाले केस में सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रही थी जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे थे, यहां पर सिस्टम में कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। क्लियर एकदम अच्छे से?
तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। इस सवाल की बात करते हैं, दो दो चार, बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेशन है, तो हम बोलेंगे यहां पर ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं, देखो यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये नॉन एरोमेटिक है। इस सवाल में देखो यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो बहुत आसान है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानना बहुत ही सरल है, आपको इतना टिपिकल नहीं लग रहा होगा। आइए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। जब भी हमारे पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, यदि यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन है, तो ये तो एरोमेटिक होगा। और यदि मान लो ये नॉट डीलोकलाइज्ड है, तो हम बोलेंगे यहां पर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। देखो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, तो कितना है? दो दो चार दो छह, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो हम बोलेंगे यहां पर सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे समझ में आ रहा है? ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, इस तरीके से। इस सिस्टम की बात करते हैं, ये सिस्टम भी हमारा पास क्या है? एरोमेटिक है। दो दो चार और दो छह, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इस सवाल की बात करते हैं, ये तो भैया बेंजीन है, बेंजीन तो एकमात्र सूचक होता है एरोमेटिसिटी का, बेंजीन और उसके सारे डेरिवेटिव्स एरोमेटिक ही होते हैं। यहाँ ये थायोफीन है, देखो दो दो चार यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। इस सवाल में ये पायरोल होता है, ये लोन पेयर है, ये भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। आपको एकदम अच्छे से समझना आना चाहिए क्यों एरोमेटिक मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ देखो दो दो चार तो छह, यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर मौजूद है। अगर ये पूरा प्लेन है, तो सिस्टम के परपेंडिकुलर में कोई रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ये वाला भी एरोमेटिक है विद सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और दो छह। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। और लास्ट में ये वाला सिस्टम भी ट्रोपिलियम कटायन होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, बहुत ही फेमस कटायन होता है ट्रोपिलियम कटायन, और ये सिस्टम भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। तो मतलब ऑलमोस्ट इसमें सारे ही केसेस अभी तक एरोमेटिक वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से समझ में आया कि आखिरकार एरोमेटिक वर्ड और एरोमेटिसिटी वर्ड आया ही क्यों। उसके बाद जो दूसरा था क्राइटेरिया थी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को सीखा आज के लेक्चर में, और लास्ट में हमने डिफरेंट सिस्टम उठा रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उठाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनुलिन, जहां पर हम एनुलिन सिस्टम की बात करेंगे कि आखिरकार एनुलिन क्या होते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।